हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्नैक्स या यूं कहिए नमकीन की रेसिपी। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही चटपटी व क्रिस्पी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने सामान ली है, लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता लिया, नमक लिया, हींग लिया है और काली मिर्च ली है। इन सारी चीज़ों को हम इसे मिक्सर में डाल के इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। इसका हम एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लिया था और यहाँ पे इसमें अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें हम इस कप से 1.5 कप चावल का आटा इसमें डाल देंगे और इसी कप से फिर हम 1 कप चना बेसन इसमें डाल देंगे। और इस तरह से माप के हम बना रहे हैं इसको। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पिंच भर हींग डाल हल्दी पाउडर डाल देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें डाला है। ये कम तीखी होती है, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वो वाली लाल मिर्च जो तीखी होती है उसे डाल रहे हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हुए एक अच्छा सा इसका डो लगाएंगे। डो बहुत ज़्यादा एकदम गीला नहीं होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। नॉर्मल डो जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। बस ऐसे ही हम इसको पूरी तरह से गूँथ के इसका डो हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से गूँथ चुका है। तो और पानी भी हमारा जो है बच गया है, ज़्यादा पानी नहीं लगा। और इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे और इस तरह से बेलन की सहायता से इसको हम रोटी जैसे बेलते हैं सेम उसी तरह से इसको बेल के तैयार कर लेंगे। और जब नहीं ये बिल रही हो तो इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा के और इसको हम बेल के इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखना है और ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखना है। इसे हम इस तरह से बेल लेंगे और फिर उसके बाद एक चाकू या फिर कटर की सहायता से आप इसे बराबर से निशान लगा के इस तरह से कट कर लीजिएगा। इसे बनाना बहुत इजी है और बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है। जिसको क्रिस्पी स्नैक्स पसंद हैं या फिर नमकीन या फिर मठरी भी बोल सकते हैं, जो आप कह सकते हो इसे, और इस तरह के जिसे पसंद है वो बना के ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़ा सा तिरछा इस तरह से निशान लगा के कट कर दूंगी। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना मोटा मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं ना तो बहुत ज़्यादा पतला है। और इस तरह से सारे निकाल के हम रख लेंगे और सारे जो बचा हुआ भाग है उसे भी हम इस तरह से बेल के और सारे हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा बेल के हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और कितने बढ़िया लग रहे हैं। थोड़े थोड़े ट्रायंगल शेप में हमने इसे बनाया है। और तेल को रख देंगे हम गरम होने के लिए। हम रिफाइंड ऑयल के साथ बना रहे हैं और तेल कितना गरम है उसे हम थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। आप एक बार तेल को पूरा गरम कीजिए, फिर उसके बाद आंच को आप मीडियम पे कर दीजिए। और ज़्यादा आंच रहेगी तो इसे आप डाल देंगे तो डालते ही आपका ये फूल जाएगा। इस तरह से डालेंगे कम आँच में तो ये फूलेगा नहीं और क्रिस्पी बनेंगे। और इसे कम आँच करके ही आप इसे फ्राई कीजिएगा और एक अच्छा सा कलर होने पे आप इसे निकाल लीजिएगा चलाते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भाग को मेरी बेटी ने ऐसे मोड़ दिया था तो वो थोड़ा सा मुड़े हुए आ गए हैं और इस तरह से मैंने बना लिया। इसी तरह सारे नमकीन को डाल के हम इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। ठंडी का मौसम है, चाय के साथ तो थोड़ा बहुत नमकीन होना ही चाहिए। और इसे बना के आप रख भी सकते हैं। और इसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बना के तैयार कर लिया हमने और यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है और चाय के साथ तो बहुत मज़े आते हैं इसे खाने में। तो दोस्तों, मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।